आज तो आप लोगों को हाय बोल चुका है और मेरी तरफ से भी हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। अभी मैं एक मंदिर जा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी लेके चलूँ। छोटा सा मंदिर है हालांकि, लेकिन काफ़ी पुराना मंदिर है। नहीं, हमें स्नेक ना मजे बना दे। हाँ तो अभी सुबह ही तो हुआ है, सबका हाथ सही थे। कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है? घूमने जा रहे हैं। तो अभी आप कौन सा नंबर देखने जा रहे हैं? स्नेक नंबर। आप क्या करोगे नंबर के पास जाके? ये मंदिर हमारे घर से एकदम वॉकेबल डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी हम पैदल नहीं गए, क्योंकि अगर अंश को खुला छोड़ दो तो वो सीधे रास्ते तो चलता ही नहीं है ना। खुद आराम से चलेगा ना, किसी को चैन से चलने देगा। इसलिए हमने सोचा कि इसको स्कूटी में बीच में बिठा देते हैं तो आराम से बैठ के पहुँच जाएगा, परेशान भी नहीं करेगा। साढ़े नौ बजे के आसपास का सुबह का टाइम हो रहा था करीब, और गांव में सब अपने अपने कामों में बिजी थे। हालांकि इस वक्त तक गांव में लोगों के घर का खाना वाना सब बन चुका होता है, लेकिन जो घर के बाहर का काम होता है, जैसे खेत वगैरह पे जाना या फिर नदी पोखर के आसपास कहीं पे जाके कपड़े वपड़े धोना, वो जो भी सब काम था, लोग उसमें बिजी थे। और अब फाइनली हम मंदिर भी पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सबका पूजा हो गया, जो जो लोग भी वहाँ पे थे सब ने पूजा कर लिया। उसके बाद जब मैंने कैमरा निकाला शूट करने के लिए, तो पंडित जी ने कहा रुक जाइए थोड़ी देर, मैं ये फूल वगैरह साइड कर देता हूँ ताकि आपको शिवलिंग अच्छे से नज़र आए। तो उसके बावजूद भी कैमरे में अच्छे से कैच नहीं हो पा रहा था, तो पंडित जी ने खुद से ही कैमरा लिया और उसको शूट करके मुझे दे दिया। सो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। इस मंदिर में भी पिछले मंदिर के जैसा ही एक कुआं है मंदिर के एंट्रेंस पे ही, और पिछले मंदिर में मंदिर के सामने एक नदी था, और इस मंदिर में मंदिर के सामने एक तालाब है। वो तालाब भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत है।
यहाँ पर भी मंदिर के चारों तरफ मतलब मंदिर के चारों दीवार पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई थी, तो मैं बस वही देख रही थी। और अब चलते हैं मंदिर के बाहर, और यहाँ पे अंश की हरकत देखिए, वहाँ पे कोई कीड़ा पड़ा हुआ था और वहाँ से वो भाग भाग के आया और मेरे पापा को बोलता है नानू चप्पल दो, और पापा की चप्पल पहन के वो कीड़ा मारने लगा वहाँ पे। अभी मैं आपको तालाब के पास लेके चलती हूँ, तो लेट्स गो। बस यही अंश के साथ यही प्रॉब्लम होता है, उसको मिट्टी और पानी के साथ खेलना इतना ज़्यादा पसंद है ना, उसको कहीं पर भी ऐसा रेत वगैरह मिल जाए या फिर पानी वगैरह दिख जाए ना, उसको बुलाते भी रहो ना, वो हिलेगा नहीं वहाँ पे, जब तक उसका मन नहीं भरता वहाँ पर खेलता ही रहेगा खेलता ही रहेगा। यहाँ से भी बहुत मुश्किल से हिला था। और यहाँ पर अंश घंटी बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके हाथ नहीं पहुँच रहे थे वहाँ पे, बाद में बजा दिया था उसको, थोड़ा सा उठाया था मैंने तो उसने घंटी भी बजा ली थी। और ये है वहाँ पर मंदिर के सामने जो तालाब है वो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।